हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें प्रीवियस थ्री इयर्स जो हैं आप 2023 का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ 2022 और 2021 उसमें जो कट ऑफ क्या रही है, RTI बेस कट ऑफ क्या रही है। तो तीनों साल का हम कक्षा 6 और कक्षा 9 के कट ऑफ देखेंगे कि भाई रिटर्न में सिलेक्शन लेने के लिए कितनी, इंटरव्यू में फाइनल पे कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपका एक टारगेट सेट हो जाएगा, आपका टारगेट सेट हो जाएगा कि हाँ भाई इतने, देखो तीन साल की कट ऑफ मान के चलो कई बार कम जाती है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा गई थी, तो उसका एक एवरेज सा निकल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा अगर कम भी गई है, मान के चलो कट ऑफ 100 नंबर भी गई है, तो आपको पता है कि 100 तो लाने ही है और मैक्सिमम 130 तक गई है, तो आपको पता है कि अधिकतम 130 है। एक ये पूरा वो चीज़ निकल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। शुरुआत में ही बता देता हूँ, कट ऑफ को आप पाने का सबसे आसान तरीका है सैंपल पेपर का सेट बुक कर लो, हैवी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, देख लो पूरे एकदम जैसा। तो इससे क्या होगा कि आपके 10-12 नंबर बढ़ जाएंगे, कम से कम बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपको ये मिलेगा तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, आप क्या करेंगे OMR में गोले, हो सकता है एक दो में गोले गलत भर दें, तो आप वहां पे सतर्क हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो हमारा सैंपल पेपर का सेट है भाई, इसको जरूर मंगवा लेना। इसमें मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कोस्ट नहीं है, आप 20-30 हज़ार के पता नहीं क्या क्या आपने कोस्ट ले रखे हैं, वो तो सारी ठीक अलग रखो चीज़ें। लाखों रुपए आप स्कूल में भी दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तमाम तरह के ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स मेडल बिल्ले ले रहे हैं, ठीक है, उनको वो तो सारा रख दो अलग, एक हमारी तरफ से भी ले लेना, उनको उनका पता चल जाएगा क्या है सारा सिस्टम। ठीक, चलो तो लास्ट क्या लिखा है, लास्ट थ्री ईयर कट ऑफ एनालिसिस पूरा देखेंगे हम, 6 में भी देखेंगे और 9 में भी देखेंगे। ठीक है भाई, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसका एग्जाम कब है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 8 दिसंबर है, समय इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए, तो देखो मैं आगे पहले बताऊं, थोड़ी मोटी मोटी बात बताऊंगा मैं, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है कक्षा 6 का, कक्षा 6 के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या है भाई आपका, ये है 50 नंबर का आपका अंग्रेजी है 35%, तो ये टोटल 150 में से कट ऑफ बनती है, 150 में से कट ऑफ बनती है रिटर्न एग्जाम की। रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ कितने में से बनेगी, 150 में से, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अंग्रेजी क्वालिफाई है, और यहाँ पे जो कक्षा 9 की बात करें तो 200 में से बनती है, और ये है, और 50% क्वालिफाई और 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो जब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें बताऊंगा कि रिटर्न में कितना, क्योंकि देखो 40 तकरीबन अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो 60-70 हज़ार बच्चे बैठे हैं कक्षा 6 और कक्षा 9 में, उसमें से जो छटके जाएंगे ना वो जाएंगे 2000 बच्चे रिटर्न में, सारे मिला लो 3 गुना 4 गुना जो भी इनके जाते हैं, तो 2000 पहला टारगेट तो आपका क्या है, ये मत पूछने लग रहे फाइनल में कितने, फाइनल से पहले रिटर्न पास कर लो, फाइनल में भी बात बनी जाएगी। तो दोनों चीज़ें हैं देखो, चलो भाई तो ये सारी चीज़ें, OMR बेस पेपर होगा इस बार, ये फाइनल पहले लग रहा था कि भाई ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन हो नहीं रहा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो शायद टैकल नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें। अब आओ काम पे, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे जहाँ लिखा है CET लिखा है भाई, पहले CET का मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ईयर लिखा है 2021, कक्षा 6 लिखा है और गर्ल्स लिखा है, ठीक है, तो कक्षा 6 और गर्ल्स लिखा है, और ये तमाम कैटेगरी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना कि क्या चक्कर है। अब देखो जनरल JCO OR, ये शुरू की चार कैटेगरी क्या है, ये है डिफेंस कैटेगरी, शुरू की चार कैटेगरी क्या है, डिफेंस वाले बच्चे हैं, और ये नीचे की चार कैटेगरी क्या है, नीचे वाली ये सिविलियन जिसमें लिखा है, ये है आपका सिविलियन वाली, ठीक है, चार कैटेगरी, जनरल OBC SC ST, एक कैटेगरी और होती है किल्ड इन एक्शन, तो बिल्कुल एक 9th कैटेगरी है, लेकिन उसको उसकी कट ऑफ अलग है, इसमें हमने इसकी मंगवाई थी RTI से। ठीक है, तो आप ये देखोगे 2021 में, एनालिसिस करूँगा बिल्कुल, 2021 में कट ऑफ क्या थी भाई, जनरल की कट ऑफ 105 थी, डिफेंस में 108, 87, 96, 121, ये तो मतलब जो सिविलियन की कट ऑफ थी जनरल में भी 121, पर यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जो ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ यहाँ सबसे ज़्यादा है, अगर यहाँ भी बात करूँ तो ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा है, मतलब चाहे बच्चा डिफेंस कैटेगरी में ओबीसी में हो या सिविलियन कैटेगरी में ओबीसी हो, वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई जनरल तो सबसे ऊपर कट ऑफ होते हैं, लेकिन भाई जनरल का भी एक जनरल आ गया है, अब एक जनरल कैटेगरी का भी क्या पिता में है आ गया है, वो है OBC। अब समझ में नहीं आता कि फिर इसका रिजर्वेशन का मतलब क्या रहा, ये है, ठीक है, 127 देख लो। ठीक, अक्सर लगता है कि नहीं ST की कट ऑफ तो पता नहीं 0 नंबर पे चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ST की कट ऑफ भी कोई कम नहीं है, 93 नंबर है, ठीक है, SC कट ऑफ भी कम नहीं है, मात्र 2 नंबर ही कम है यहाँ पे देखा जाए तो, यहाँ पे भी तो इतना वेरिएशन नहीं आता इसमें RMSB की, इतना वेरिएशन तो ये है किसकी, गर्ल्स की है। अभी हम चलते हैं बॉयज की, ठीक,
ये है बॉयज की कट ऑफ रिटर्न की, ठीक है, बॉयज की रिटर्न की कट ऑफ है। देख लो भाई आरटीआई का ही है सारा, ये कक्षा 6 ये बॉयज है, सीईटी 2021। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये 112 114, अगेन ओबीसी ज्यादा है। देख लो यहां पे, देख लो सिविलियन में अगेन ज्यादा है 125, ठीक, देख लो ठीक, ये इतना वेरिएशन है 123। तो मतलब 2021 का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ कक्षा 6 का, उसमें ये कट ऑफ गई है। ये देख लो, पहला हो गया हमारा 2021। अब हम चलते हैं कक्षा 9 पे, कक्षा 9 पे, ठीक है। इस कट ऑफ को पार करने का ना एक ही मूल मंत्र है, बार बार दिखा रहा हूँ। ऐसे 5 पेपर मंगाओ घर, और जो आपने मुगालता पाल रखा है ना कि इतने नंबर बन रहे हैं, इतने यूट्यूब पे, तो देखो बिस्किट खाते हुए, बेड पे नमकीन खाते हो, चाय पीते हो, तो नंबर बनेंगे, वहाँ तो पक्के नंबर बनेंगे आपको। लेकिन जैसे ही ये पेपर, पेरेंट्स से कह रहा हूँ मैं, पता क्या करना है इनको, जो आपके बच्चे हैं ना, जब भी आप उनसे पूछते हो बेटा कितने नंबर, पापा फुल में से फुल बता दे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बिल्कुल उसको एक दिन सरप्राइज दे देना ये मंगवा के, ठीक है बेटा फुल में से फुल वहाँ आए थे तो इसमें फुल में से हाफ तो आ जाएंगे भाई, जब फुल में से फुल यूट्यूब पर आए थे तो हाफ तो आ जाएंगे ना, बस ये दे देना उसको, ठीक है। और देखो अगर मान के चलो बच्चा भाई उसको नहीं आता, तो मैं तो कहूँगा देखो पेरेंट्स से बच्चे को समझाओ, लेकिन अगर भाई देखो वो बच्चा आपको चकमे देने पे, चकमे झूठ पे झूठ लगा हो ना, तो फिर उसको कहीं ना कहीं उसको पनिश करो, जो जो पेरेंट्स कर सकता है, पेरेंट्स का दावा ये भी तो है सारे पैसे लुटाता रहेगा क्या, जहाँ जो उसका उस कर्तव्य है उसको टाइट करके समझाओ, उसको पनिश करो, जो माइल्ड पनिशमेंट पेरेंट्स बच्चों को देते हैं वो दो, मतलब उसके जो उसके मूवी के टिकट्स हैं या उसके पिज्जे के या बर्गर के, उनको होल्ड कर दो, और क्या, जो उसको अलग अलग डिमांड आती है उनको बंद कर दो, यही तो पनिशमेंट है और क्या है, ठीक है। चलो अब आ जाओ 2021 का फाइनल, भाई फाइनल को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता फिर भी, लेकिन देख लो बॉयज कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ ये गई है और गर्ल्स कैटेगरी में ये गई है, आफ्टर इंटरव्यू की बात है, ठीक है, दैट इज आफ्टर इंटरव्यू, क्योंकि 20 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू में भी वही बच्चा बोलेगा जो रिटर्न में अच्छा करेगा, भाई सीधी सीधी सी बात है। लेकिन कई बार बच्चा साई नेचर का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू का बेस्ट मंच ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के पास है, वहां पे कर लेना इंटरव्यू की तैयारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छे नंबर आपको दिला के भेजेंगे, ठीक है। तो ये इसको देखो, अब ये बन गई, पर लेकिन मैं इससे पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, पहले तो रिटर्न खड़ा है ना सामने, 8 दिसंबर को क्या है, रिटर्न है सबसे पहले, तो उसको देखना। चलिए आगे चलो भाई, अब आ जाओ सीईटी 2022, ठीक है, सीईटी 2022 क्लास 6, यहां पे इस बार सामने लिखा है, देखो ये रहा आपका बॉयज और गर्ल्स, एक ही उसमें आ गया। तो 2022 में भी लगभग आप देखोगे तो और नीचे चली गई, 2022 में और नीचे, 21 के मुकाबले 22 में और कट ऑफ नीचे चली गई, क्यों, क्योंकि देखो उस टाइम ना कई बार क्या रीजनिंग वगैरह का ना पेपर ना टफ आता है, कई बार टफ भी पेपर आता है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट टफ आ गया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए, तो इसलिए ये मुझे लगता है पेपर मुश्किल ही आया होगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए जब कहते हैं ना कि भाई कट ऑफ सर 130 जा रही है, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा पेपर पर, वो पेपर पर डिपेंड करेगा, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने, मेहनत अच्छी होनी चाहिए, सारे तरीके आपको अपनाने होने चाहिए, तभी होगा। देखो ये सारे देखो लो, यहाँ पे बॉयज की कट ऑफ हो गई, ये कैटेगरी वाइज है, मैं समझा चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ये कैटेगरी हो गई ऊपर की डिफेंस, और ये हो गई सिविलियन, बिल्कुल पोज करके वीडियो को एक बार देख लो क्या आप किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा सिविलियन में ओबीसी कैटेगरी में पढ़ता है, 118 नंबर का बंदोबस्त कर लो, 118 नंबर का, फिर आप कहोगे सर 118 नंबर का बंदोबस्त हमें कैसे पता, पेपर एग्जाम में तो पेपर देने जाए, पेपर में ही पता चलेगा ना, एग्जाम से पहले कैसे कर ले बंदोबस्त, ये है तो दिखा तो रहा हूँ बार बार, 5 बार चेक कर लेना, 5 सेट मिलेगा, एक बार धोखा हो जाएगा, मुझे पता है हो जाता है धोखा, दूसरी बार धोखा हो जाएगा, तीसरी बार धोखा हो जाएगा, अरे 5 बार तो धोखा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बार इसमें टेस्ट कर लो, अगर इसमें 118 बन गए तो वहाँ 120 बन जाएंगे, 130 बनेंगे, मैं इतना बता रहा हूँ, कम से कम 10 नंबर का मार्जिन रहेगा, ठीक है, क्लियर। पहली बार हमारे पास एक बच्चा था, कहले सर 150 में से 150 बन गए आपके वाले में, तो सब की सब चीटिंग उतार के अपना आंसर की, क्योंकि इसके साथ हम आंसर की भी देते हैं, इस सैंपल पेपर के साथ आंसर की भी देते हैं, हमारे भी देते हैं, पहले ही अपना आंसर की निकाल ली, माँ बाप सीधे थे, आपको पता ही है बच्चे तो कितने शैतान हो रहे, तुरंत ही पेपर आया, दोनों दोस्तों ने मंगवाया था सैंपल पेपर, दूसरे के दोस्त से सारे आंसर की चिट के 150 में से 150 कर दिए, एग्जाम में रह गए 75 नंबर, ठीक, एग्जाम में 75, फिर कहने लगा क्या हुआ, कहने वो मीटिंग हो गई थी, बुखार चढ़ गया था, ठीक, फिर इस तरह के बहाने आए। तो इसलिए आपको पेरेंट्स को सतर्क होना होगा भाई, इन पे यकीन मत करना। अब आ जाओ इस पे फाइनल, छात्र छात्राएं साक्षात्कार से पहले की ये स्थिति है, साक्षात्कार जो कि 20 अंकों का होता है उसके बाद की स्थिति है, ठीक,
समझ गए, ये फाइनल कट ऑफ है। तो यहां पे अपने आप को देखो तुम कहां हो अपने आप, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, देखो अभी बहुत सारे बच्चे ना जैसे देखते हैं इनको, कह रहे हैं सर ये क्या कट ऑफ है, फिर वो इतने भ्रमित कैसे हो जाते हैं, मतलब बच्चे इतने कंफ्यूज, उनको ये कट ऑफ कुछ भी क्यों नहीं लगती, क्योंकि सारे के सारे मॉक टेस्ट बेड पे बैठ के रोटी खाते हुए, नमकीन खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, पिज्जा खाते हुए, उनके साथ उन्होंने सारे के सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है, उन्होंने कोई भी मॉक टेस्ट रियल इंटरफेस पे नहीं दिया, इसलिए उनके यूट्यूब में देखते रहते हैं, अच्छा इसका तो ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका मन मन में क्वेश्चन हो रहे हैं सारे, बस उसका जवाब क्या निकलता है, लेकिन जब एग्जाम में प्रेशर में बैठता है तो वहाँ बच्चा फिर दूसरी स्थिति बन जाती है, वहाँ क्वेश्चन गलत पे गलत। तो इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ, सैंपल पेपर इज द मास्टर की है इस RMS CET के पेपर को निकाल, उसको जरूर आजमाना। बाकी तो देखो हमारे टेस्ट सीरीज है, हमारे लाइव बैचेज हैं, बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें, हॉस्टल में धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है, वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इतना भी ना कर पाओ सैंपल पेपर का मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको तुम इग्नोर मत करना बच्चों, नहीं तो नुकसान आपका ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कक्षा 9 की, ठीक है, ये है क्लास 9 का। भाई देखो गर्ल्स का तो पहले, अभी ये लास्ट ईयर 2023 से गर्ल्स की वैकेंसी आई थी, उससे पहले वैकेंसी नहीं आती थी। तो ये देख लो भाई कट ऑफ, JCO OBC 137, NCL यहाँ भी देखो OBC यहाँ भी ज़्यादा 138, SC 108, ST 114 और 154 से शुरू होती है सिविलियन की कहानी जनरल। यहाँ पे OBC मैं कहूँगा थोड़ा कम हो गया, नहीं तो अदरवाइज हर जगह OBC ज़्यादा ही था, ठीक है, ये 145 और ये सारे सिविलियन, ठीक है भाई, ये सारी बन गई बात। ये है कक्षा 9 की, पोज करके इसको भी देख लो, CET 2022। चलो अब बात करो ये है फाइनल, ठीक है, क्लास 9 की फाइनल 1 से, क्योंकि 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, 50 नंबर के इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनी वो ये बनी है, JCO ये चार कैटेगरी हो गई, गर्ल्स इसमें नहीं थी 2022 में CET, क्योंकि 23 वाले में आई है गर्ल्स, तो ये इनका हो गया कक्षा 9 का, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे आ जाओ, अब आ जाओ CET 2023 सबसे ज्यादा कट ऑफ अब तक का कॉमन एंट्रेंस है, जो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सबसे ज्यादा कट ऑफ अब तक की रही है, अब तक की, ठीक है। तो जब मैं आपसे कह रहा था कि भाई आप क्या करो, लोवेस्ट भी आपने देख ली, हाईएस्ट भी देख ली, तो बीच में कहीं टिक जाओगे, वो तो होता ही है, वहां पे बीच में कहीं भी नंबर ला रहे हो आप, 110 115 नंबर तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें देखो जनरल ओबीसी कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, यहां पे इंटरव्यू है कट ऑफ आफ्टर इंटरव्यू, तो अगर देखा जाए डिफेंस कैटेगरी के चार हैं, चारों में क्या है भाई 120 125 ओबीसी के, देखो 5 नंबर ज्यादा है यहां पे भी, ठीक है, ये गर्ल्स कैटेगरी की है, तो सारे इसको देख लो, और ये नीचे की क्या है, ये है आपका सिविलियन की, तो 135 नंबर कट ऑफ गई है। तो अब बच्चे कहेंगे सर 135 सही है, अब तो इस बार तो नहीं हो पा रहा है, देखो ये कट ऑफ पेपर के हिसाब से जाती है, ठीक, पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसका कोई रिलेशन नहीं होता, आपने पिछले 2021 की देख ली और 2023 की भी देख ली, 3 सालों की देख ली ना आपने, तो आप ये सोचो कि आपको आपकी एक रेंज निकल के आई, रेंज कितनी है, मतलब कट ऑफ 105 जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल की कट ऑफ 120 से लेके 135 तक जा रही है, सीधी सीधी सी बात निकल गई ना, ठीक है भाई 120 से लेके 135 तक जा रही है ना, जब पेपर टफ था तब भी 120 थे, जब पेपर आसान था या कॉम्पिटिशन बहुत, बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे पढ़ रहे थे तब 135 है, और ये इसका हाईएस्ट लेवल है, तो बस आप इसके अराउंड कहीं अगर चल रहे हैं, तो एग्जाम में कई बार क्या होता है, एग्जाम में मूड की भी बात होती है, एग्जाम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए, ठीक है, आपका उस दिन भी अच्छा था, तो उस चीज से वो क्या होता है, वो चीजें टैकल हो जाती है, उस चीज से वो सारी कॉम्प्रोमाइज होती है, आपने तैयारी करी है, आपका लक भी, आपने तुक्के पता चला जनरल नॉलेज के 3-4 तुक्के ठीक हो गए, 3-4 तुक्के ठीक होते हो गया आपका काम, बस यही तो होता है, ठीक है। हालांकि ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी, ऐसे ऐसे बच्चे भी जिनके 100-100 तुक्के भी लगते हैं, 100-100 वो कौन बताते हैं, अकेडमी वाले बताते हैं सर 100-100 तो गोले गलत भर दिए, 100 गोले गलत, बताओ कुछ है बात, 100 गोले, अरे 300 के 300 गोले, मान ले बच्चा 300 के 300, 200 के 200 गोले भरेगा, अरे कुछ तो गलत होंगे ही, जितने गलत है इतने गोले गलत भर दिए, ठीक है। चलो ये हो गया भाई, है ना, अब बात करो ये है कक्षा 9 की, ये है CET एग्जाम 2023 कक्षा 9 की, बॉयज की कट ऑफ ये है, और गर्ल्स की पहली बार गर्ल्स की कट ऑफ आई थी, ठीक है, पहली बार वैकेंसी आई थी गर्ल्स की, इसमें KIA किल्ड इन एक्शन वाले को भी दे रखा है, देखो एक कैटेगरी हो रहा है, लेकिन आपको इनको ध्यान रखना है, ये बॉयज की कक्षा 9 की रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है, जो पेपर 200 में से बनता है, जो क्या है 200 में से बनता है, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, बट आपको पहले क्या है, पहले तो रिटर्न ही पार करना है, रिटर्न पे अपना फोकस रखो, यहां को इसको कर लो, ठीक। चलो
सारी चीजें मैंने आपको लगभग क्लियर कर दी, क्या होना है कैसे होना है। कट ऑफ आपने, कट ऑफ क्यों बताई जाती है, मैं बार बार टारगेट एक सेट हो जाता है, कितने नंबर पता चला आपने टारगेट बना रखा है कि नहीं मुझे तो 70 नंबर पे सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक भ्रम होता है 40% क्वालिफाई लिखा हुआ है तो इससे क्या लगेगा, डर लगेगा ना आपको 40%। चलो तो RMS CET का आपको लाइव बैच के थ्रू तैयारी, हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है, आप कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो, लाइव बैच भी है। देख लो भाई, बर्थडे मनाने मत आना, ठीक है, पार्टी करने मत आना, रस्सी नहीं चढ़वाऊंगा मैं, खेल की एक्टिविटी बिल्कुल कम से कम कराऊंगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगी प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तैयारी करने के प्रॉपर कंपटीशन की तैयारी, तो ही ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आना, नहीं तो और सारी आलतू फालतू की एक्टिविटी, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, भाई देखो इसके लिए प्लीज़ मत आना, उसमें कोई नहीं। फिर आपको मैं बता दूंगा बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ भेजो, वहाँ पे बच्चे का करियर ज़्यादा अच्छा बनेगा रेदर देन इसमें। कई बार पेरेंट्स कहते हैं सर डांस वगैरह भी क्लास लिया करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी लिया करो, अरे आप ले तो रहे हो डांस की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, भाई घर से अच्छी डांस कौन कराएगा, घर पे रहो और जो आपको जिसमें भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कराना वहाँ करा लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी घर पे, क्योंकि यहाँ पे तो देखो तैयारी होती है, अकेडमीज में क्या होती है तैयारी होती है, वहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट लगते हैं, तो वो वाला माहौल जिसको चाहिए तो वो ज्वाइन करना, अदरवाइज तो फिर आपको इसमें नुकसान होगा आपका, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो ये माहौल है भाई पूरा, ये चलेगा, यहाँ पे नहीं है वो वाला जो आप ढूंढ रहे हैं, वो दूसरी मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे का स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट चलेंगे, बस खाना पीना अच्छा मिलेगा, सोना अच्छा मिलेगा, ठीक है, बस और ज़्यादा समय पढ़ाई में जाएगा। अगर आप कर रहे हैं लाइव क्लास के थ्रू तैयारी, तो RMS की फिलहाल हमारा लाइव बैच है, उसको प्रॉपर ज्वाइन कर लो भाई। लाइव बैच में आपको वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर, मैं बार बार आपको याद दिला ही रहा हूँ, बुक कर लो, क्योंकि ये हैवी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। ध्यान से सुनना, पहली बार भी ऐसा हुआ था कि हमने जो दिए थे फिर बाद में कहने लगा सर नहीं आप पूरे में दे दो, क्योंकि फिर पूरे में क्या होता है, इसका प्रिंट निकलता है, इसकी वेरिफिकेशन होती है, आंसर की बनती है, उसमें समय लगता है और एग्जाम सर पे आ जाए तो, और फिर आपको ज़्यादा भी लगता है पैसों का, तो इसलिए अभी ये बहुत सस्ते प्राइस पे है, बहुत ही सस्ते पर, ठीक है, उस इसको अवेल कर लो। कैसे अवेल करेंगे, इस नंबर पर कॉल करना और बताना, सीधा सीधा बताना कि सर सैंपल पेपर बुक कर दो मेरा, अभी बुक करा लेना, बात मत करना इधर उधर की, सीधा कहो बुक कर दो, सीधा QR कोड मिलेगा आपको, ट्रांसफर करना पैसे, अपना बुक करना, घर आ जाएंगे 5। और पेरेंट्स इसको रखना, इसकी चाबी बच्चों को मत दे देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चों को चाबी दे दी सारी इसके आंसर की लूट लेंगे, रट लेंगे सारी, और फिर आपको कहेंगे मेरे तो 150 में से 140 नंबर आ गए, इसमें 145 नंबर आ गए। ईमानदारी से कोई एक भी दिलवा लेना, उसी में पता चल जाएगा जितने नंबर इस सैंपल पेपर में आएंगे, क्योंकि अपडेटेड है पूरा, इतने आपके RMS के एग्जाम में आएंगे। जाते जाते मैं आपको ये और बता दूं, ये हमारे तमाम कोर्सेज है भाई, ठीक है, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के तमाम कोर्सेज हैं, ये रहे, ठीक, इनमें लाइव बैच के थ्रू आप जो चाहें उसको ले सकते हैं। देखो ये है रीजनिंग, मैथ्स, टेस्ट सीरीज भी हमारी अवेलेबल है अभी, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ले सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पूरा एकदम पैकेज है, यहाँ से अगर देखो आप, देखो वीडियो कोर्स है। तैयारी कैसे होती है, तैयारी का देखो एक तरीका होता है, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक, सिलेबस वगैरह आपको पता है, थ्योरी पढ़ ली वीडियो कोर्स से या लाइव बैच से, वीडियो कोर्स से थ्योरी पढ़ लो, फिर लाइव बैच में और जुड़ जाओ, वहाँ पे क्या होगा, टीचर आपका 1-to-1 फेस दिखा के आपके डाउट क्लियर कर देगा कि ऐसा करो, दो हो गए। फिर जब आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आती है अभ्यास की बारी, अभ्यास कहाँ से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, निश्चित होकर सो जाओ, ये काम कर देगा अपना चिनूक और तेजस, इनमें से पैक ले लो, इनमें दुनिया भर की बढ़िया बढ़िया क्विज है, बिल्कुल PYQs हैं, सब कुछ है इसमें, इधर उधर भागने जो, फिर इनको लगा दो, और फिर जब आप इनको लगा दो, और फिर जब आप सारी चीज़ें, और जब आपको लग जाए कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, तब आ जाता है, बार बार दिखा रहा हूँ इसका रोल, ठीक है, ईमानदारी से फिर इसको लगाना, फिर आप एग्जाम में जाना। मेरा मानना है जिस बच्चे के 70 नंबर आ रहे होंगे, अगर इस प्रोसेस को करके जाएगा तो 100 नंबर से नीचे किसी हालत में नहीं आएगा, वो 30 नंबर उसके बढ़ेंगे अगर इस प्रोसेस को करेगा। हालांकि मैं कह दूं जिसके 50 आ रहे हैं वो एकदम सिलेक्शन पे तो नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, तो आप अपनी हिम्मत मारो, मेहनत करो, देखो जो रिजल्ट आएगा। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं अभी से तैयारी करने लग जाऊं, अरे लग जाओ, कोई नुकसान नहीं है, अभी से ही आज से ही लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आज ही कर लो ये सारी चीज़ें, ये एक्सेस ले लो, आज ही एक्सेस लेके कर लो, अपना इनरोल करो, लग जाओ क्लास करने, क्योंकि आपको आप अभी भी कवर कर लोगे सारे सिलेबस को, ठीक है भाई। चलिए सेशन को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई, कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया, टारगेट आपका सेट हो गया, बता दिया इस टारगेट को अचीव कैसे करना है, कहाँ से अचीव करना है, लाइव क्लास, सैंपल पेपर, वीडियो कोर्स, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको कदम बढ़ाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।